चलिए फ्रेंड, बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो कि वाइवा में भी पूछ सकता है इस प्रकार के प्रश्न, और मैट्रिक एग्जाम में भी पूछ सकता है ना। तो 2021 में जो जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, VVI है। देखिए पहला प्रश्न में है, एक विलयन का pH 11 है, तो विलयन की प्रकृति है, ए में है क्षारीय, बी में है उदासीन, सी में है अम्लीय, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय। क्षारीय 11 होता है तो क्या होता है? क्षार होता है। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, और पूरा पूरा 7 होता है तो उसको उदासीन बोला जाता है। दूसरा में देखिए, एक विलयन का pH मान 4 है, तो विलयन की प्रकृति 4 है, तो उसका क्या हो जाएगा? क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, फिर या फिर इसका तो क्या होगा? 4 विलयन होता है तो क्या अम्लीय होगा, है ना? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अम्लीय, है ना? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका pH 7 है? तो ए में है समुद्र का जल, बी में है HCl, सी में है शुद्ध जल, डी में है NaOH। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी शुद्ध जल। चौथा प्रश्न देखिए, NaOH का pH है 7 से कम, 7 से अधिक, 7, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 7 से अधिक। पांचवा प्रश्न देखिए, नींबू के रस का pH मान है, pH होता है, तो नींबू का रस क्या होता है? ए में 7 से कम, बी में है 7 से अधिक, सी में है 7, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 से कम। छः नंबर का प्रश्न देखिए, किसी विलयन में उपस्थित खलिस्थान आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक विलयन का pH कहलाता है? ए में है हाइड्रोजन, बी में ऑक्साइड, सी में है हाइड्रोक्साइड, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। सात नंबर का प्रश्न देखिए, 7 से कम pH, 7 से कम pH वाले विलयन है, 7 से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं, है ना? अम्लीय ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठ नंबर में देखिए, 7 से अधिक pH वाले विलयन है, उसको ए में है अम्लीय, बी में है उदासीन, सी में है क्षारीय, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी क्षारीय होता है। 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? क्षारीय। नौ नंबर का प्रश्न देखिए, पानी में क्षार मिलने पर विलयन का pH मान ए में कम हो जाता है, बी में बढ़ जाता है, सी में वही रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है? जब पानी में क्षार मिलाया जाता है तो क्या pH मान बढ़ जाता है। दस नंबर का देखिए, पानी में अम्ल मिलाने पर विलयन का pH मान ए में कम हो जाता है, बी में बढ़ जाता है, सी में वही रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कम हो जाता है। ग्यारह नंबर का प्रश्न देखिए, विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता की इकाई है, ए में है मोल मीटर, बी में है मोल, सी में है लीटर मोल, डी में है मोल पर लीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोल पर लीटर। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका pH अधिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड? इसका ऑप्शन ए में है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी में दोनों विलयन का pH मान बराबर है, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम का बाइकार्बोनेट की तुलना इसका pH मान अधिक होता है। 13 नंबर का प्रश्न में देखिए, निम्न में से किसका pH अधिकतम है, ए में है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी में है सी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी में है जल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना? pH मान अधिकतम होता है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, अध्यापक ने अज्ञात नमूने एक्स की एक बूंद pH पेपर पर रखी, pH पेपर का रंग गहरे लाल में परिवर्तित हो गया, तो इसका क्या होगा? ए में है तनु HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, है ना? बी में है जल, सी में तनु सोडियम बाइकार्बोनेट, डी में है तनु एथोनाइक अम्ल विलयन। इसका सही उत्तर हो जाएगा HCl, तनु HCl अम्ल। 15 नंबर का प्रश्न की, pH चार्ट के अंतिम छोरों पर दिखाई देने वाले दोनों रंग हैं, ऑप्शन ए में है लाल तथा नीला, बी में लाल तथा हरा, सी में है हरा तथा नीला, डी में नारंगी तथा हरा। तो इसका क्या दिखाई देता है? लाल तथा नीला दिखाई देता है दोनों रंग। 16 नंबर का देखिए, एक विद्यार्थी ने अवलोकन किया कि pH पेपर पर रंग पानी में डुबोने पर हरा हो गया, पानी में कुछ बूंदें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डाली,
पीएच पेपर का रंग है ना, ए में है हल्का रंग हल्का लाल हो जाएगा, बी में हरे सेब की तरह हो जाएगा, सी में गहरा नीला हो जाएगा, डी में है नींबू की तरह पीला हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्का लाल हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, बोतल ए में अग्नि अग्जलिक अम्ल तथा बोतल बी में सोडियम कार्बोनेट विलयन है। जब प्रत्येक विलयन का पीएच पेपर डाला जाता है तो ए तथा बी में दिखने वाला रंग क्रमशः ए में है नारंगी नीला है, बी में नारंगी नीला और नारंगी है, सी में है हरा नीला है, डी में है नारंगी हरा है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नारंगी और नीला हो जाता है। 18 देखिए, HCl का पीएच मान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ए में है 7, बी में है 7 से कम, सी में है 7, डी में है 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और सी दोनों है लेकिन इसमें क्या है 7 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 7 से 7 हो जाता है। इसके बाद देखिए, NaOH का पीएच मान है ए में है 7, बी में है 7 से कम, सी में है 7 से अधिक, डी में है 0। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन, 7 से अधिक। 20 में देखिए, निम्न में पीएच का मान ज्ञात करने के लिए सबसे उत्तम है, ऑप्शन ए में है पीएच पेपर, बी में है सार्वजनिक सूचक, सी में है पीएच मीटर, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पीएच मीटर। सबसे अच्छा उत्तम तरीका क्या है, पीएच मीटर। 21 में देखिए, एचसीएल का पीएच लगभग होता है, हाइड्रोक्लोरिक का पीएच कितना होता है, ऑप्शन ए में है 1, बी में है 7, सी में है 0, डी में है 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 4। 22 में देखिए, 10 पीएच वाले क्षारीय घोल का जल मिलाने पर नया पीएच होगा, ऑप्शन ए में है 10, बी में 10 से अधिक, सी में 10 से कम और डी में है कर नहीं सकते। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 10 से कम। 23 नंबर में देखिए, 4 पीएच वाले अम्लीय घोल का जल मिलाने पर नया पीएच होता है, इसमें हो जाएगा 4 ए में है, बी में 4 से अधिक और सी में है 4 से कम, डी में है कर नहीं सकते। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4 से अधिक। उसको 24 नंबर देखिए, क्लोरीन जल का पीएच है तो इसमें ए में है 7, बी में है 7 से कम और सी में है 7 से अधिक और डी में कह नहीं सकते। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 7 से कम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को भी शेयर करें अच्छा लगे तो, और कॉमेंट में ज़रूर बताएँ।